सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, अभी अभी इग्नू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि आपके एग्जामिनेशन से है और आपके रिजल्ट के ऊपर भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स काफी पैनिक हो गए हैं दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक सभी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, राइट। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक एक करके हम लोग हर एक अपडेट के ऊपर बात करेंगे, रिजल्ट के ऊपर भी आएंगे। उससे पहले आपके एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ अपडेट है, आप उसको देख लिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो BAG साइकोलॉजी प्रोग्राम के लिए है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज किया गया है साइकोलॉजी का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं, ये रीजनल सेंटर कोलकाता की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, राइट, कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर आपको कोर्स के साथ SSC के साथ डेट, स्टार्ट टाइम, एंडिंग टाइम, प्रोग्राम, एकेडमिक काउंसलर नेम और मोड सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। SSC मीन्स स्टडी सेंटर कोड, राइट। तो सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कोलकाता रीजनल सेंटर के है और उनका ये वाला BAG का प्रोग्राम है साइकोलॉजी का, देन सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज किया गया है, जो कि आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहां पर क्लियरली नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जो पेज है वो क्लियर नहीं मेंशन किया गया है। आप यहां पर देख सकते हो कुछ यहां पर सही आपको दिख रहा है। तो डेट, टाइमिंग, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, मीडियम क्रेडिट, सेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलॉटेड, सब आपको यहां पर बता दिया गया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स है, ये भी कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से ही रिलीज किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोलकाता रीजनल सेंटर लिखा गया है, राइट, कोलकाता रीजनल सेंटर। ओके, तो सभी स्टूडेंट जिनका BSc नर्सिंग वाला प्रोग्राम है सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट, इसको चेकआउट कर ले, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ एक बड़ी अपडेट है, जो कि BBARL प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कोर्स कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनका वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होने वाला है टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 के लिए, जो कि मैं आपको बता दूं ये दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से अपडेट आपको दिया गया है। सो जितने भी दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है, अगर उनका ये प्रोग्राम है, देन आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट करो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट नंबर, सब कुछ, PR नंबर, कोर्स कोड एंड स्टूडेंट्स नेम, गूगल मीट लिंक, इसी के थ्रू आपका एग्जामिनेशन होगा तो गूगल मीट लिंक भी दिया गया है, टाइमिंग डेट सब आपको दे दिया गया है, सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स का यहाँ पर नाम दिया गया है। सो जितने भी दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है, ये प्रोग्राम वाले और ये कोर्स कोड वाले, तो सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट अपडेट आपके नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से है, जहां पर आपका वैवा वॉयस होने वाला है BBARL प्रोग्राम के लिए, जो कि आपका रखा गया है 24 फरवरी को 11 AM से, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन को चेक करोगे, जो कि कुछ इस तरीके के है। स्टूडेंट्स के यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स नेम दिया गया है एंड गूगल मीट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। सो जितने भी स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर के है और उनका ये वाला प्रोग्राम है, तो सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट एक और अपडेट आपके नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से है, जो कि BSc प्रैक्टिकल शेड्यूल को लेकर के है, जो कि स्टडी सेंटर कोड किसके तरफ से मेंशन किया गया एंड कॉलेज का नाम भी, तो आप पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो जितने भी नोएडा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है और उनका ये वाला प्रोग्राम है और उनका ये स्टडी सेंटर है, तो सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो गाइज, ये सब था आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल, जो कि आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल था। चलिए बढ़ जाते हैं रिजल्ट की ओर। रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट काफी पैनिक हो रहे हैं, बिकॉज दिसंबर 2022 टर्म एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो है वो लास्ट अपडेट 10 फरवरी को किया गया था। अब काफी लंबा गैप आ गया है, 10 दिन से प्लस हो गया है और रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्या अब अपडेट आएगा ही नहीं, क्या अपडेट कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको बता दूं अभी हाफ से ज्यादा, मींस आधा से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया नहीं है। सो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिले हो रहा है, इस बार होता है ऐसा कि गैपिंग में लेट हो जाता है, हर बार सेम टाइम पे सिक्वेंशियली मींस लगातार आपका रिजल्ट अपडेट नहीं किया जाता है, कभी कभी गैप भी हो जाता है, ठीक है। सो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट का अपडेट देखने को मिलेगा, दिन में आपको अपडेट कर दूंगी, राइट। सो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट्स से शेयर कर दें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।